नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर नया चैप्टर एक चालू कर रहे हैं ना। तो हम लोग आज नारेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नारेशन। नारेशन आज से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे नारेशन क्या होता है। तो नारेशन को हम लोग नैरेट अर्थात नैरेट से बना हुआ अर्थात इसको हम लोग कैसे समझते हैं, या कथन होता है। क्या होता है? कथन होता है इसका हिंदी। लेकिन इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे स्पीच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पीच। ठीक। तो स्पीच जो होता है वो दो कैटेगरी में नैरेशन को हम लोग बांटते हैं, दो कैटेगरी में बांटते हैं। तो एक कैटेगरी जो होता है हमारा वह डायरेक्ट स्पीच होता है। क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच जो होता है वह कोई शब्द को हूबहू उसी रूप में अगर बोल दिया जाए, अर्थात जो शब्द बोला गया था वैसे ही शब्द बोल दिया जाए, वह हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच होता है जिसमें बदलाव हो, इसमें कुछ बदलाव हो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में रखते हैं। जैसे अगर इसका हम लिखें तो स्पीकर, स्पीकर्स, स्पीकर वर्ड्स, वर्ड्स आर कोटेड, कोटेड है ना, कोटेड। ये क्या हो जाएगा? अर्थात स्पीकर जो वर्ड बोला है वैसे ही वो वर्ड बोले जो बोला गया है, उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि जो स्पीकर होगा है ना, जो स्पीकर होगा वह अपने शब्दों में क्या करेगा, वह अपने शब्दों में ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, अर्थात उसमें कुछ बदलाव करेगा। ठीक है। तो अगर इसको हम लोग समझने की बात करें तो स्पीकर्स, ठीक है, स्पीकर्स आर स्पीकर वर्ड्स आर ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात स्पीकर जो हो अपने वर्ड को क्या करे, उसमें कुछ बदलाव करे। उसको हम लोग किस रूप में देखेंगे? हम ट्रांसफॉर अर्थात उसमें कुछ बदलाव होगा तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट में रखेंगे। ठीक है। स्पीकर वर्ड्स आर कोटेड, अर्थात उसी कोट को वह दोबारा बोले, वह क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान देने की जरूरत है इस पे। आप लोग, मैं फिर इसको और इलोबरेट कर रहा हूँ कि ये कैसे चेंज होता है। तो आप लोग जानते हैं पहले से कि सेंटेंस, अब हम लोग इसको हम लोग जब मैनिपुलेट करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, जब इसको हम लोग ट्रांसफर करके बनाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या किस रूप में बनेगा। तो हमारा जो सेंटेंस है पाँच, उसी के हिसाब से हम लोग आगे एक एक सेंटेंस के हिसाब से हम लोग बनाते चलेंगे। ठीक है। तो आगे मैं लिख रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। स्पीकर्स, स्पीकर्स होता है और यहाँ, ठीक है, इसको ध्यान देने की जरूरत है आप लोग। स्पीकर्स, स्पीकर्स, स्पीकर्स वर आर कोटेड। ठीक है। तो मैं एक एक करके इसमें जो सेंटेंस वाइज जो होता है, जैसे एडजेक्टिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसके हिसाब से हम लोग आगे एक एक करके क्या हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे, है ना। तो मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है। तो पहला हमारा सेंटेंस जो है वो क्या है? एडजेक्टिव सेंटेंस है। तो एक हम इस पे एक बेस्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि रंजीत सैड टू मी, रंजीत सैड टू मी कोटेड कोमा, आई एम हैप्पी। एक मैंने क्या किया, एक एडजेक्टिव सेंटेंस ले लिया और उसमें क्या मैं सेंटेंस लिया, रंजीत सेड टू मी आई एम हैप्पी। ठीक है। तो हम इसको कैसे कैसे चेंज करेंगे इसको हम लोग सीखने की प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी जो है, जो भी हमारा जो कोई ना कोई व्यक्ति स्पीकर होगा, कोई लिसनर होगा, है ना, इसको समझने के लिए जो फर्स्ट हमारा रंजीत जो है क्या है, स्पीकर है। ये क्या है? स्पीकर है। तो स्पीकर जो है वह कुछ ना कुछ बोला होगा, कुछ बात बोला होगा। ठीक है। तो जो बोला है रंजीत, क्या बोला है? तो जो बोला है वह क्या बोला है? मैं खुश हूँ। ठीक है। यह क्या हो जाएगा? यह हमारा, इसी को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं।
रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, जो बोला गया कुछ ना कुछ बोला बोलेगा वो, तो वह क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कोई बोलेगा किसी से कुछ, कोई बोलेगा तो किसी के बारे में कोई कुछ बोलेगा, कोई सुनने वाला होगा। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, कोई कुछ किसी से बोल रहा है तो किसी ना कोई सुनेगा, अगर यह बोल रहा है तो यह सुनेगा, ठीक है। तो जो सुनने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिसनर बोलते हैं। वो क्या होता है, लिसनर होता है, क्या होता है, लिसनर होता है, क्या होता है, लिसनर होता है ना। और यह जो लिसनर हो गया उसके बाद स्पीकर हो गया, ठीक है, यह हमारा क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो यह अब एक यह चीज बचेगी, क्योंकि हम लोग एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं, तो यह क्या बच जाएगी हमारी, रिपोर्टेड वर्ब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब, क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। यह हमारा क्या कहलाता है, रिपोर्टेड वर्ब। यह क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब होता है। तो रंजीत सेड टू मी किसे बोला, मुझसे बोला, अर्थात मैं सुन रहा हूँ, मैं लिसनर हो जाऊँगा या स्पीकर हो जाएगा। यह जो बातें हैं, जो कुछ बोला है, वह रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। और यह जो इन्वर्टेड कोमा है, ठीक है, इसको हम लोग एजेटी क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमा से रखते हैं, इन्वर्टेड कोमा इसको बोलते हैं, है ना, इन्वर्टेड कोमा, है ना। तो एक एक करके इसको कैसे हम लोग तोड़ते हैं यह हम लोग जान गए, ठीक है, कि यह क्या होता है, स्पीकर होता है, कोई ना कोई बोलने वाला होगा, कोई ना कोई सुनने वाला होगा, उसको लिसनर बोलेंगे। यह जो पार्टें होती हैं, या रिपोर्टेड वर्ब होती हैं, या टेंस के हिसाब से चेंज होती है, अभी मैं बताऊंगा। यह कुछ ना कुछ बोलेगा, ठीक है, तो क्या बोला है कि मैं खुश हूँ, तो यह रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। और फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यह चीज़ हम लोग ने समझ लिया कि यह क्या है, स्पीकर है, यह हमारा लिसनर है, यह हमारे रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग क्या है, वर्ब है, या रिपोर्टेड वर्ब है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। अब कहानी हम लोग और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कहानी आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तो ध्यान देंगे कि यह रिपोर्टेड वर्ब जो है, ठीक है, इसी यह हमारा तीन कैटेगरी में अलग अलग टेंस के हिसाब से बढ़ता है। क्या बढ़ता है, यह टेंस के हिसाब से बढ़ता है, टेंस या टाइम के हिसाब से बढ़ता है, टेंस या टाइम के हिसाब से बढ़ता है। तो ये हमारा किस में बढ़ेगा, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या क्या फ्यूचर टेंस। ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही रिपोर्टेड, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब के हिसाब से ही हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं, ठीक है। तो यह हमको क्लियर है, यहाँ पे हमको पास्ट भी होगा, प्रेजेंट भी होगा और फ्यूचर भी होगा, अर्थात यह चेंज होगा, यहाँ पे हम बदलाव देखेंगे हम लोग। तो यहाँ जो बदलाव होगी वही यहाँ पे भी बदलाव होगी, अर्थात इसके अनुसार यह चेंज होगा, क्या होगा, इसके अनुसार, अर्थात रिपोर्टेड वर्ब के अनुसार हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं। यह ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग यह पास्ट भी होगा, फ्यूचर भी होगा और प्रेजेंट भी होगा, तीनों इसमें हमारा टेंस मिलेगा चेंज करने के लिए, तो हम इसके अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कैसे कैसे इसका यूज हम लोग करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो इसमें हमारा दो कैटेगरी आएगा, ठीक है, इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इसको आगे अगर इसको समझने की कोशिश करें तो रिपोर्टेड वर्ब के हिसाब से हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हमारा दो कैटेगरी होगा। एक तो हमारा कैटेगरी ये होगा कि आपका लिसनर है कि नहीं, ठीक, एक कैटेगरी क्या होगा, लिसनर है कि नहीं, एक कैटेगरी लिसनर नहीं है, अब है तब और नहीं है तब उसके लिए। तो अगर यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब के जगह पे, मान लीजिए यहाँ रिपोर्टेड वर्ब के जगह पे अगर से होता है और यहाँ पे क्या है, लिसनर नहीं है, तो हमारा क्या से का क्या हो जाएगा, से ही हो जाएगा, से का हम लोग क्या, अगर यहाँ पे हमारा से है तो यहाँ पे से हो जाएगा, यहाँ पे अगर से है तो यहाँ पे से हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे से है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा से है तो से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सेज है तो सेज हो जाएगा, यहाँ पे सीड है तो सैड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारा क्या है, अगर विल से है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा विल से हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक और कोटेशन है कि अगर यहाँ पे लिसनर है,
लिसनर से पहले आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे वो टू लगा कर रखेगा, यहाँ पे टू लगा रहेगा, है ना, यहाँ पे टू लगा रहेगा, उसके बाद लिसनर होगा, तब यह क्या हो जाएगा, यह चेंज होगा, क्या हो जाएगा, यह चेंज होगा, या किस में बदल जाएगा, टेल में, क्या बदल जाएगा, टेल में, या क्या बदल जाएगा, टेल्स में, या क्या बदल जाएगा इसमें, टोल्ड में, क्या बदल जाएगा, टोल्ड में, या क्या बदल जाएगा, विल सेल में, विल टेल में बदल जाएगा, या क्या बदल जाएगा, विल टेल में बदल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ यही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अगर आप ये समझ गए तो भी आपसे बनेगा। यहाँ पे अगर लिसनर है, यहाँ पे लिसनर है, यही हमारा क्या है, लिसनर है, क्या है, लिसनर है। अगर लिसनर है उसके पहले तो क्लियर है कि प्रीपोजिशन होगा ही होगा, तो लिसनर है तब हम लोग इसको चेंज करते हैं। अगर लिसनर नहीं है, अगर लिसनर नहीं है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एडजेक्टिव वैसे के वैसे ही उतार देंगे, क्या करेंगे, एडजेक्टिव वैसे के वैसे उतार देंगे। तो ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे ही आप पूरे टेंस को अपने हिसाब से इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, बदल ट्रांसफर कर सकते हैं, बदल सकते हैं, है ना। तो फिर हम इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रंजीत सेड टू मी आई एम हैप्पी, यह क्वेश्चन था। अब देखिए हम लोग क्या समझ गए, स्पीकर को समझ गए, हमने क्या एक एक चीज को हम लोग आगे बढ़ते हुए समझते जा रहे हैं, हमने स्पीकर को समझ गए, हम लोग क्या, ये स्पीकर है, ठीक है, स्पीकर को हम लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को समझ गए, रिपोर्टेड वर्ब को समझ गए। उसके बाद हम लोग क्या, लिसनर को समझ गए। अब हमको ध्यान देना है कि यह इन्वर्टेड कोमा को हम कैसे चेंज करें, क्योंकि हम लोग क्या किस चीज़ पर आ गए हैं, चेंज करने पर आ गए हैं, अर्थात हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस इन्वर्टेड कोमा को क्या करेंगे, तो ये जो इन्वर्टेड कोमा है ऐसे, है ना, तो इन्वर्टेड कोमा है, तो इसको हम लोग क्या, कुछ ना कुछ जोड़ने के लिए तो कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे, क्योंकि कोई भी सेंटेंस जुड़ता है तो वह किसी ना किसी कंजंक्शन से जुड़ता है, कंजंक्शन से जुटेगा। तो कंजंक्शन, इस इन्वर्टेड कोमा को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे हम एक कंजंक्शन, खूबसूरत कंजंक्शन का यूज हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं डैट के रूप में, क्या जानते हैं, डैट के रूप में। तो यह जब इन्वर्टेड कोमा हटेगा यहाँ से, तब हम लोग वहाँ डैट का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी डैट लगेगा, अर्थात जब भी हम लोग हमारा रिपोर्टिंग, हम लोग अब तो हम लोग रिपोर्टिंग या क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच पे आ गए हैं, रिपोर्टिंग स्पीच पे आ गए हैं। अब रिपोर्टिंग हम लोग यह चीज समझ ली, अब रिपोर्टेड स्पीच में अंदर आए हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच जब भी होगा तो यहाँ पे एडजेक्टिव सेंटेंस होता है, ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव सेंटेंस होता है, यहाँ पे आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं कर सकते हैं, एडजेक्टिव सेंटेंस होगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके हिसाब से हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो अब मैं फिर आ रहा हूँ कि कुछ पर्सनल प्रोनाउन है उसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि वह उसके हिसाब से, मान लीजिए यह क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है, यह किसके हिसाब से चेंज होगा उसको भी हम लोग समझेंगे, तब तो हम लोग क्वेश्चन पाएंगे कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, चलते हैं। कुछ पर्सनल प्रोनाउन है, जो पर्सनल प्रोनाउन हम लोग बचपन में पढ़े हैं, सात पर्सनल प्रोनाउन होता है, एक होता है हमारा क्या, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन आता है, आई, माई, मी, है ना, उसके बाद वी, आवर, अस, उसके बाद ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, उसके बाद हमारा इट, इट्स, इट्स, उसके बाद एक और आता है हमारा दे, देयर और देम। तो ये हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6, एक और छूट गया क्या, यू, ये यू होता है, यहाँ पे ही लिख देते हैं, यू होता है, ठीक है। तो यू, योर, योर्स, योर होता है ना, तो उसको आप लोग, इसको आप देख सकते हैं, यू, योर, योर होता है हमारा, यू होता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी लिखे हैं ऑब्जेक्टिव केस लिखे हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। तो हमारा 6 7 होता है, आई, वी,
आई वी ही सी इट दे। अब यहाँ पे आप लोग को यह ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि अब कैसे चेंज होगा। तो अब इसको हम लोग बांट देते हैं, कुछ बांट देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मैं खाता हूँ और हम लोग खाते हैं, तो यह दोनों को हम लोग फर्स्ट पर्सन में रखते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट पर्सन में रखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है, ठीक है, हमेशा वह क्या होता है, स्पीकर होता है। क्या होता है? स्पीकर होता है। क्या होता है? स्पीकर को बोलते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना है, यह सेकेंड पर्सन जो होगा, यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, यहाँ पे क्या है, सेकेंड पर्सन है। अब यहाँ पे बात आती है, देखिए ऐसे समझिए, पर्सन को हम लोग कैसे समझते हैं, तीन थ्री थर्ड पर्सन होता है, तीन पर्सन होता है, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकेंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वह किसी वह बोलने वाला होता है, तो कोई ना कोई सुनने वाला होगा, कोई ना कोई सुनने वाला होगा। जो सुनने वाला होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड पर्सन। जिसके बारे में कुछ बातें हो रही हैं लेकिन वह एक्टिव नहीं है, मतलब वहाँ वह नहीं है लेकिन किसी के बारे में बात हो रही, तो वह क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति बोल रहा है तो कोई सुन रहा हो, तो वह सुनने वाला जो होता है वह लिसनर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिसनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अर्थात यू जो होता है वह लिसनर होता है, और जो बाकी बच गया यहाँ तक देन, वह हमारा थर्ड पर्सन में आता है। तो थर्ड पर्सन हमारा क्या होता है, एक्टिव नहीं होता है, इसको हम लोग नॉन एक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन एक्टिव पर्सन होता है। या किसी के बारे में बात होती है जिसको नॉन एक्टिव रूप में रखते हैं। तो यह पर्सन, आप पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, यह मैंने उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह चीज़ को समझ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है, यह चीज़ को समझ गए होंगे, क्योंकि इसी के अनुसार हम लोग चेंज करेंगे। और एक आप लोग बचपन में पढ़े होइएगा, ठीक है, एक करके ऐसे एक करके बहुत सारे किताब में एस ओ एन करके लिखा रहता है ना, या वन टू थ्री, अर्थात थर्ड पर्सन सब्जेक्ट उनका, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट उनका, थर्ड पर्सन नो चेंज। इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, अर्थात थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। तो मैं इसको बताऊंगा आप लोगों को कि थर्ड पर्सन क्यों नहीं चेंज होता है। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसको भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको नोट डाउन प्रॉपर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है कि अब हम लोग चेंज कैसे करेंगे। मैंने अभी जस्ट बताया था कि रिपोर्टेड वर्ब के हिसाब से ही हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, रिपोर्टेड वर्ब के अनुसार ही रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं। तो रिपोर्टेड वर्ब में ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेजेंट टेंस, क्या हो, प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, वह हमारा क्या होता है, वह हमारा चेंज नहीं होता है। क्या होता है, चेंज नहीं होता है, वह नो चेंज। क्या होता है, हम उसको चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टेड वर्ब में, रिपोर्टेड वर्ब में हमारा पास्ट टेंस हो, क्या हो, पास्ट टेंस हो, तो वह क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। पास्ट टेंस में हो तो वह चेंज होता है। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट हो, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसका कहानी अब हम लोग धीरे धीरे चालू कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, ठीक है। तो यह हमारा, इसमें क्या चेंज हो जाएगा, इसमें हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हमारा चेंज होगा। क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में हमारा चेंज होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, यहाँ पे क्या हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, तो यह किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, तो यहाँ पे हमारा किस टेंस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। अगर यहाँ पे प्रेजेंट क्या हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो यहाँ पे किस टेंस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। या सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। अर्थात दूसरे हम लोग प्रेजेंट जो होता है पास्ट में चेंज हो जाता है। अब हम लोग इसको आगे और कैसे चेंज होता है उसको भी हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यह तो हमको क्लियर हो गया कि प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो हम लोग चेंज नहीं करते हैं, लेकिन यह अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में हमारा प्रेजेंट टेंस हो तो वह अगर यहाँ रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट हो तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पास्ट टेंस में ही है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच तब हम लोग कैसे चेंज करेंगे इसको हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट दे दिया हो, क्या हो रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट दे दिया हो तो हम लोग क्या चेंज करेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर पास्ट दे देता है तो उसको हम लोग पास्ट में रखते हैं, मतलब अगला जो टेंस होता है उसमें हम लोग रखते हैं। तो पास्ट में है या मोर पास्ट में गया, अर्थात अगर यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है, क्या हो पास्ट इंडिफिनिट हो तो या किस चीज में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, क्या होगा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अगर यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस हो या किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो यह हम लोग यहाँ तो ऑलरेडी आ गया था चेंज, हम लोग एडजेक्टिव को एडजेक्टिव वैसे को वैसे लिख देते हैं, यहाँ पे चेंज नहीं होता है। फिस्ट यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, हमने आगे लिखना चाहिए तो मैंने बाद में लिख दिया है पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो यह भी हमारा क्या है, यह तो हमारा चेंज हो गया, इसमें तो बदल गया है तो यह भी हमारा क्या होता है चेंज नहीं होता है। तो अगर इसको हम लोग ध्यान से समझने को अगर कोशिश करें तो जो भी चीज़ें हमारी टेंस से रिलेटेड होती है ऐसे ही चेंज होती है। तो अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे और इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ अगर यहाँ पे अगर अपने मन से ले लें कि माइट हो, है ना, तो और भी हमारा क्या होगा माइट ही होगा, यहाँ भी चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे हमारा कुड हो तो यह भी हमारा कुडे में जाएगा, यह भी चेंज नहीं होगा। ऐसे ऐसे हम लोग हैड टू हो तो वह भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और तब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए कैसे क्वेश्चन इजी हो जाएगा क्योंकि मैं सभी थ्योरी बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए यह जो हमारा क्या है स्पीकर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है दो चीज, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दो चीज ध्यान रखना है, स्पीकर और लिसनर कभी चेंज नहीं होता। क्या होता है स्पीकर और लिसनर कभी चेंज नहीं होता है, चेंज बस होगा तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज होगा और रिपोर्टेड स्पीच का पर्सनल प्रोनाउन चेंज होगा, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग चेंज करें तो क्या हो जाएगा, रंजीत का तो रंजीत ही होगा, रंजीत। अब सेट टू को मैंने बताया था कि अगर पास्ट टेंस में हो तो किस में बदलता है, टोल्ड में बदल जाता है, टोल्ड मी। मैंने अभी बताया कि यहाँ क्या है रंजीत टोल्ड मी हो जाएगा क्योंकि सेट टू को हमने बताया टोल्ड में। अब देखिए यहाँ क्या है कि मैंने बताया था कि इनवर्टेड कोमा को जब भी हटाते हैं तो कोई ना कोई कंजंक्शन लाते हैं, तो कंजंक्शन लाएंगे तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, डैट, क्या लिखेंगे, डैट। अब देखिए यह हमारा पर्सनल प्रोनाउन में आता है, तो मैंने अभी बताया कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यह सब्जेक्ट क्या है रंजीत है, इसके अनुसार चेंज होगा, ठीक है। हमने अभी बताया कि आपको चेंज क्या करना है, एस ओ एन से चेंज करना है, वन टू थर्ड, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन सेकेंड के अनुसार यह क्या है फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो सब्जेक्ट यही ना हमारा स्पीकर। अब देखिए बहुत सारे किताबों में ऐसे लिखा रहता है लेकिन इसको आप डिनाई कीजिएगा, ऐसे मत, आप ऐसे बोलिएगा कि जो भी पर्सनल प्रोनाउन होगा वह स्पीकर के अनुसार चेंज होगा, ना ही कि एस ओ एन, ये सब बहुत छोटी छोटी किताबों में लिखी रहती है, इसको आप लोग इसको फॉलो मत कीजिएगा, इसमें बन जाता है क्वेश्चन ऐसे नहीं, लेकिन यह जुगाड़ है, क्या है, एक जुगाड़ है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि यहाँ जो पर्सनल प्रोनाउन जो भी रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा वह चेंज होगा हमारा स्पीकर के अनुसार से,
क्या होगा स्पीकर के अनुसार। स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है, रंजीत है। रंजीत ही तो बोल रहा है, रंजीत सेड टू मी, मुझसे बोल रहा है कि मैं खुश हूँ, तो रंजीत स्पीकर है। तो रंजीत के अनुसार हम से हम पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, रंजीत के अनुसार से हम पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो यहाँ रंजीत अगर क्या है, एक पुरुष है, क्या है, एक मेल है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन ही। अब क्या है, यह प्रेजेंट टेंस में है ना एम। अब मैंने बताया था कि आप लोग यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस को हम लोग कैसे बदलते हैं। यह प्रेजेंट टेंस है तो किस में बदलेगा, अगर यहाँ पास्ट टेंस हो तो किस में बदलेगा, पास्ट, पर पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है। तो यहाँ एम है तो वाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। आ हैप्पी तो हैप्पी रहेगा ही रहेगा, बात समझ में आएगी नहीं। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब मैंने एडजेक्टिव यानी एसर्टिव सेंटेंस को लिया था, तो ऐसे ही एसर्टिव सेंटेंस का जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, जो भी टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी होगा उसको मैं बताते चलूँगा। लेकिन बेस मैं दे दिया हूँ कि कैसे हम लोग उसको चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अगर यह चीज़ आप नहीं समझते हैं तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो को बार बार देखिएगा, जिससे कि यह आप लोग को दिक्कत ना हो। और यह मैं बता देता हूँ कि कोई भी वन डे एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, कंपटीशन लेवल का हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन तो ज़रूर दिखेगा नरेशन का, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए इसको बार बार देखिएगा और ज़्यादा इन्जॉय कीजिएगा वीडियो को। और मैं इतना ही बताऊँगा कि आप लोग इस चीज़ को खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, जिससे कि आप लोग कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो मैं इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। आगे फिर आप लोगों को दो दिन तीन दिन चार दिन पे वीडियो मिलता रहेगा, सप्ताह में दो या तीन वीडियो मिलता रहेगा। मैं चालू कर दिया हूँ, तो इतना ही रहने देता हूँ। थैंक यू।